शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड उभरता, झारखंड हमारा झारखंड उभरता, झारखंड। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं नमिता। कहते हैं ना, जो अपने जीवन में कठिनाइयों से टकराता है वही विकास के पथ पर आगे बढ़ता जाता है। कोई भी मंजिल पाने के लिए हम तो बस इतना ही कहेंगे कि ये बिल्कुल सुबह की तरह होता है, जो मांगने से नहीं बल्कि जल्दी जागने से मिलता है। ऐसे ही जाग चुके हैं मांडू प्रखंड के लोग। यहाँ मनरेगा पार्क से इन्हें रोजगार का बहुत ही अच्छा अवसर मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग काफी खुश हैं और रोजगार प्राप्त करके इनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आ रहा है। तो चलिए, बिना देर के हम आपको भी लिए चलते हैं और आप खुद देखिए कि यहाँ के लोग किस तरह से कार्य कर रहे हैं, आर्थिक रूप से खुद को कैसे मजबूत बना रहे हैं और इनमें आत्मविश्वास भी कैसे भर रहा है। सरकार ने एक तरफ जो मनरेगा पार्क का कंसेप्ट लाया है, उससे जहाँ लोगों को रोजगार मिल रहा है, गाँव में हरियाली आ रही है, खुशहाली आ रही है, इसी क्रम में आज हम आए हुए हैं पूर्वी कुज्जू के मुरपा गांव में। और यहां पे लोगों ने धीरे धीरे करके इस पूरे पार्क को तकरीबन 3 एकड़ से शुरू करते हुए 16 एकड़ तक पहुंचा दिया है। और यहां पे आम, अमरूद के अलावे केला, बांस, नींबू और तरह तरह के सब्जियों का भी यहां पे हो रहा है। यहां 6 कुएं हैं और सारे संसाधनों के बावजूद आज यह पार्क पूरी हरियाली और खुशहाली को लेकर के आया है। जहाँ एक तरफ 50 से 100 लोग यहाँ रोजगार पा रहे हैं, वहीं लोगों को यह बताने में भी तनिक भी हिचकिच नहीं होती है कि इस तरह के जब पार्क वाली योजनाएं आती है और लोग अगर इसको करें तो रोजगार भी मिलेगा और उनको घर में आर्थिक स्थिति में सुधार भी होगा। यहाँ महिलाएं जो हैं सुबह से काम करती है, इधर उधर जाना नहीं पड़ता है। और पलायन जो रामगढ़ और इधर हजारीबाग के क्षेत्र में लोग इधर उधर जाते थे, उनके लिए पलायन जो था वो इसको रोकने में, रोकथाम करने में काफ़ी कुछ सहयोग कर रही है। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ इस पार्क के लग जाने से इनके जीवन में बदलाव आया है। झारखंड प्रदेश एक उद्योग विहीन क्षेत्र है। यहाँ के गाँव में खेती के अलावा रोजगार के दूसरे अवसर नहीं है। ऐसे में यहाँ की महिलाएं अपने खर्चे के लिए या तो पिता या फिर अपने पति पर निर्भर रहती हैं। अतः अपने प्रदेश में गांव में रोजगार के अवसर सृजित करने तथा लोगों की आमदनी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत फलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड में इस योजना के अंतर्गत मनरेगा पार्क का निर्माण किया गया है। इससे यहाँ के किसानों की बंजर भूमि पर आज विभिन्न फलों के पेड़ लहलहा रहे हैं। इससे किसानों की आमदनी तो बढ़ी रही है, साथ ही साथ इस पार्क से महिलाओं के लिए रोजगार के नए द्वार भी खुल गए हैं। यह भूमि तो पहले बंजर था, यहाँ पे उम्मीद भी लोग नहीं कर सकते थे कि खेती किया जा सकता है, यहाँ किसी तरह का कुछ भी मतलब पेड़ पौधे लगाया जा सकता है। लेकिन हम लोगों के समझाने के, यहाँ के ग्रामीण लोगों को समझाने के बाद उन लोग से काफ़ी समझाया गया और फिर उनसे आग्रह किए, हम लोग निवेदन किए, समझाएं कि यह भूमि को मतलब हम लोग को दीजिए, हम लोग इसको देख रेख करेंगे और हम लोग पेड़ पौधे लगा के इसको इस लायक बनाएंगे कि लोग, आप लोग भी काम कीजिएगा और आप लोग को रोजी रोजगार भी इससे मिलेगा। यहाँ शुरुआत 3 साल पहले ही हुआ था, 3 एकड़ से शुरू हुआ था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 16 एकड़ हो चुका है। आम के पेड़ से ही शुरुआत किया गया है, अमरूद है, केला है, फूल भी है, यहाँ पे सीजन के अनुसार सब्जियाँ भी लगता है, मकई भी लगता है, बादाम भी लगता है और फिर और इस तरह के बहुत सारे जो सब्जी होते हैं सीजन के अनुसार उगाया जाता है, उनसे लोगों को रोजी रोजगार भी मिलता है। ये जो मनरेगा पार्क है कुज्जू पूर्वी पंचायत में अवस्थित है और यहाँ पे
वर्ष 2019-20 से कार्य प्रारंभ किया गया। उसमें प्रारंभ में 3 ही एकड़ में यहाँ काम प्रारंभ हुआ था, और फिर जैसे जैसे लोग इससे जुड़ते गए, जागरूकता बढ़ते गया लोगों के बीच में, तो फिर संख्या एकड़ का बढ़ते जा रहा है। वर्तमान में अभी लगभग 16 एकड़ में यहाँ मनरेगा पार्क अवस्थित है, और आप देख ही रहे हैं पौधे काफ़ी अच्छे ग्रोथ कर गए हैं, और उसके साथ साथ यहाँ कृषि कार्य भी, इंटरक्रॉपिंग भी लगातार किया जा रहा है। मनरेगा पार्क में हम लोग प्रयास किए हैं कि जो भी मनरेगा के तहत लिया जा सकता है योजना, वो सारा स्कीम यहाँ पर लिया जाए। जैसे आप देख रहे होंगे बागवानी तो यहाँ पर हम लोग करवा ही रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर हम लोग कुआँ भी लिए हैं, तालाब भी लिए हैं, वर्मी कम्पोस्ट है, TCB है, उसके अलावा आपका कुछ यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को ये भी दिखने को मिलेगा, शेड वगैरह भी बना हुआ है, जैसे मुर्गी शेड, गाय शेड, तो ये तमाम तरह की योजनाओं को हम लोग यहाँ पर समाहित करके एक साथ एक ही कैंपस में लेकर आए हैं। देखिए मांडू प्रखंड में लगभग जितने भी मजदूर हैं जो मनरेगा में काम कर रहे हैं, निबंधित जो भी हैं, इसमें लगभग 50% महिलाओं की भागीदारी हम लोग सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान में लगभग 48% संख्या हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। जहाँ तक रहा कुज्जू पूर्वी पंचायत का बात, तो यहाँ पर भी हम लोग अच्छा खास संख्या में महिलाओं को काम दे रहे हैं, और खासकर इस जो योजना है मनरेगा पार्क में, यहाँ तो मैक्सिमम रूप में महिलाएं ही काम कर रही हैं, 90% से प्लस। मनरेगा चूँकि एक सार्वजनिक योजना नहीं है बल्कि एक व्यक्तिगत योजना है, इसमें व्यक्ति विशेष को हम लोग किसी योजना से अनाच्छादित करते हैं और उसको लाभान्वित करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई कृषक है और खेती करता है तो हम लोग उसको कुआं देते हैं, तो व्यक्ति विशेष की योजना है। उसी प्रकार है आम बागवानी है जो सरकार के द्वारा लोगों को, अभी ये कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, मगर लगभग 3रा साल या 4था साल चल रहा है बिरसा आम बागवानी का। जो लोग पहले फेज़ में लगाए थे उनको अब ये समझ में आ रहा है कि ये एक अच्छी योजना है, और साथ में आम बागवानी के साथ वो मिक्स क्रॉपिंग भी कर सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं, और एक एकड़ में अगर वो आम बागवानी लगाते हैं तो वैसे परिस्थिति में साल में लगभग उनको 50 से 80 हज़ार तक का आम से इनकम हो सकता है। इसके अलावा जैसे आम बागवानी की है तो आम का पटवन कर रहे हैं तो साथ में कद्दू या कुछ भी सब्जी लगा लिए तो उससे उनको अतिरिक्त आमदनी हो जाती है। जब इस योजना की शुरुआत हो रही थी तब यहाँ के ग्रामीणों ने अपनी भूमि को पार्क से जोड़ने से मना कर दिया था। उन्हें यह भय था कि कहीं उनकी भूमि पर किसी का कब्जा ना हो जाए। यहाँ के जनप्रतिनिधियों के काफी समझाने के बाद इन लोगों ने अपनी भूमि को मनरेगा पार्क से जोड़ा। वर्ष 2019-20 में जिस पार्क की शुरुआत मात्र 3 एकड़ भूमि से की गई थी, आज वो 16 एकड़ तक पहुंच गई है। आज लोग यहां आम, अमरूद तथा नींबू आदि के बगीचे के अलावा यहां सब्जी की खेती भी कर रहे हैं। इससे इन किसानों को अच्छी आमदनी हो रही है। इसके अलावा इस पार्क से गांव की महिलाएं जुड़ गई हैं, जिससे उन्हें आमदनी का एक रास्ता मिल गया है। लोग जमीन देने के लिए तैयार नहीं होते थे, लोगों के मन में यह शंका थी कि सरकार पहले यहाँ आम की बागवानी लगाएगा, खेती करेगा, उसका जमीन धीरे धीरे हम लोगों का अपने अधीन में कर लेगा। उनको बहुत समझाया बुझाया, और जिस जमीन पर आज हरियाली देख रहे हैं, चारों तरफ पेड़ पौधा लगा हुआ है, वहाँ पे कुछ दिन पहले यहाँ पर बंजर भूमि था, यहाँ घास तक नहीं उगता था, लेकिन मैंने यहाँ के लोगों को समझाया बुझाया, उसके अपने परिश्रम से यहाँ के पंचायत के लोगों को समझा बुझा के यहाँ के लोगों को जोड़ा इससे, और यहाँ आम का बागवानी का शुरुआत 3 एकड़ से किया शुरू में। उसके बाद धीरे धीरे लोग जब यहाँ देखने लगा कि इस तरह का कार्य हो रहा है तो लोगों में जागरूकता उत्पन्न हुआ। उसके बाद में आज हमारे यहाँ 16 एकड़ में एक ही जगह पर आम की बागवानी है। उसके बाद में अगर आम की बागवानी यहाँ लगाए तो उसे लोगों को बहुत सारा फ़ायदा मिलने लगा। उससे होने लगा क्या कि जब आम फलता, आम के सिर में आम फलता है तो आम को लोग बाज़ार में बेचते हैं, उससे आर्थिक होता है। उसके बाद में यहाँ नींबू भी लगा हुआ है, नींबू से भी कुछ इनकम हो जाता है, और जहाँ इंटर क्रॉप्स दोनों आम के पेड़ के बीच में 15 दूरी है, गज की दूरी है, फीट का दूरी है, उस जगह पर लोग इंटर क्रॉप शुरू किया। लोग टमाटर लगाते हैं, बैंगन लगाते हैं, भिंडी लगाते हैं, मूली लगाते हैं, हर एक तरह का सब्जी का यहाँ खेती किया जा रहा। साथ ही साथ हम इस बार से नया योजना शुरू किए हैं यहाँ, वह योजना है कि गेंदा फूल, गुलाब का फूल, जो बाज़ार में जिसका डिमांड होता है वो फूल का खेती अपने तरफ से हम शुरुआत करवाए हैं, और वो जब हो जाएगा तो उसको हम बाज़ार में बेचेंगे, उससे भी इनकम होगा, और उससे और इस पार्क के होने से यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल गया है। जो लोग दूसरी जगह पलायन करते थे वो पलायन रुक गया है।
पार्क से फ़ायदा हम लोग का यही हो रहा है कि जैसे अभी इस बार हम लोग आम बहुत सारा बाज़ार में बेचे, जिससे हम लोगों का बहुत सारा कुछ इनकम हुआ, यही फायदा है। और जैसे जगह जगह 10 या 15 फीट का दूरी है, उस एंटी करप्शन खेती भी किया जा रहा है। जैसे हो गया कि इस बार अभी बरसात में बादाम लगा, भिंडी लगा, टमाटर भी लगा था, उसके बाद और भी हम लोग को जैसे इधर हाल फिलहाल में गेंदा का फूल लग रहा है, तो इससे भी हम लोग को कुछ फ़ायदा हो रहा है बहुत तरह से। हाँ, ज़मीन का खाली ज़मीन का उपयोग किया जा रहा है, बशर्ते आम का भी हम लोग का फ़ायदा मिल रहा है साल में। और जो एंटी करप्शन जगह जो कुछ बच रहा है हम लोग का, उसमें भी फ़ायदा हम लोग ले रहे हैं। और रोज़गार भी मिल जा रहा है, जैसे कि हो गया मनरेगा मजदूर, अभी मनरेगा जैसे अभी मान लीजिए 50-60 आदमी अभी डेली यहाँ काम कर रहे हैं, उसको भी अभी रोज़गार के तहत उनका भी इनकम हो जा रहा है। और बशर्ते हम लोग का भी फ़ायदा, जो लाभुक हैं उन लोग का भी फ़ायदा हो जा रहा है। जंगल टाइप का था, एकदम बंजर ज़मीन था, तो जब आम बागवानी का जब योजना आया तो हम लोग लाभुक को समझाने का प्रयास किए और 3 एकड़ से यहाँ शुरुआत किए। उसके बाद धीरे 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 लोग इसमें जो है सो जागरूकता हुआ, लोग को शौक पैदा हुआ, यहाँ जब रोज़गार मिलने लगा लोगों को तो और बढ़ाते बढ़ाते हम प्रत्येक एकड़ करते करके 16 एकड़ तक हम लोग अभी इसमें जो है सो आम बागवानी लिए हैं। और मिक्स फ्रूट का भी यहाँ पर बागवानी किया जा रहा है, जिससे बहुत फायदा हो रहा है लोगों को। यहाँ की महिला परमिला देवी, जो कि मनरेगा पार्क में आज कार्य कर रही हैं, बताती हैं कि वो इस पार्क की देखभाल के साथ यहाँ सब्जियों की खेती भी करती हैं, इससे उन्हें अच्छी आमदनी हो जाती है। इस पार्क के बनने से पहले ये बेरोजगार थीं, लेकिन इसकी वजह से इन्हें घर बैठे ही रोजगार मिल गया है, जिससे वो आत्मनिर्भर बन गई हैं। ऐसा ही हाल यहाँ के किसानों का भी है, जिनकी आमदनी इस पार्क से जुड़ने की वजह से बढ़ गई है। रिश्ता से लाए थे, रिश्ता से लाए 18,000 का बेचे, खाली फूल बेचे हैं और बीजा भी है, ये है, इन साल नहीं लगाए। और सब्जी में क्या क्या लगाते हैं? सब्जी में झींगी लगाते हैं, कद्दू लगाते हैं, नेनुआ लगाते हैं, प्याज लगाते हैं। यहाँ रोजगार मिलता है, जो बैठल रहा बेगारी यहाँ काम मिल जा रहा है। और बहुत तरह से काम आदमी अभी खोजने से नहीं मिलता है यार, यहाँ बैठल बेगारी काम मिल रहा है। सब इधर का जो ज़मीन था बाकी, ये सबको भी हम मैंने खींचने का काम करवाए हैं कि क्या करोगे, पड़ती ज़मीन है, अभी ऐसा मौका है तो दोनों फायदा हो जाएगा। तो इस तरह के करते करते यहाँ तक से नीचे तक चला गया अभी 16 एकड़ तक। और भी हम लोग को सोच रहे हैं कि और इस तरह का कोई किसान अगर चाहे ज़मीन देने के लिए, तो हम लोग बात करके हम लोग कोशिश करेंगे कि और बढ़ाया जाए, इससे ज़मीन खाली नहीं रहे और यहाँ अपना रोजी रोजगार का फलदार जैसे फलेगा तो हम लोग को बेचेंगे तो कुछ पैसा भी हो जाएगा। झारखंड प्रदेश के गांव में लोगों के पास खेती के अलावा रोजगार के दूसरे विकल्प नहीं हैं। यहाँ इनकी खेती भी उतनी अच्छी नहीं हो पाती जिससे उनका गुजारा अच्छे से हो सके। ऐसे में मनरेगा पार्क किसानों को बागवानी से जोड़कर न सिर्फ उनकी आमदनी बढ़ा रहा है, बल्कि यहाँ की महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित कर रहा है। आगे हम यूं ही बातें करते रहेंगे और अब आपको हम बताना चाहेंगे कि मुड़पा शांति नगर के लोग कैसे खुश है प्रधानमंत्री आवास से। जी हाँ, हर किसी का सपना होता है कि उसके पास रोटी, कपड़ा और मकान हो, और मकान का सपना तो हर इंसान के लिए अति आवश्यक हो गया है। आज ये सपना पूरा हो रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से। इसमें एक निश्चित मूल्य दिया जाता है और ये सारे लोग अपने लिए पक्का मकान बना रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि अब इन्हें कच्चे मकान में जो परेशानियां आ रही थी उन सब का समाधान मिल चुका है। पक्के मकान बनाने से ये काफी खुश है और इनके जीवन स्तर में भी सुधार आ रहा है। तो चलिए बिना देर के आप भी देखिए और इसका पूरा लाभ उठाइए। आज जब शहरों में लोग ऊंचे ऊंचे महलों में ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं, ऐसे में गांव के गरीब ग्रामीणों की आंखों का सिर्फ इतना ही ख्वाब है कि उनकी झोपड़ी पक्के मकान में परिवर्तित हो जाए। उन्हें एक छोटा ही सही पर ऐसा मकान नसीब हो जिसकी छत से पानी न टपके और वो उन्हें हर मौसम में सुरक्षा प्रदान कर सके। ग्रामीणों के इन्हीं ख्वाबों को पूरा करने के लिए देश भर में
प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत बेघरों के रहने के लिए आवास का निर्माण कराया जा रहा है। अपने झारखंड के रामगढ़ जिले के शांति नगर में इस योजना के अंतर्गत कई झोपड़ियां आज पक्के मकान में तब्दील हो गई हैं। जब इन लोग के यहाँ आए सबसे पहले तो इनकी स्थिति को जब देखे तो बहुत दयनीय स्थिति थी। ये बहुत ही खपड़े का मकान में रहती थी। बरसात के दिनों में भी इनके घर में पानी चूता था, गर्मी में गर्मी लगता था, मतलब बहुत ज़्यादा समस्या था। खाना बनाती थी, खाना बना रही है वहीं पर पानी चू रहा है, तो इनकी समस्या था। जब हम आए तो इनको देखे तो जब सरकार की योजना आई प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत इनको हमने योजना के तहत हमने प्रधानमंत्री आवास दिलाने का काम किया। इन्होंने जैसे तैसे अपना बनाया, 1,30,000 में कुछ होने जाने को है नहीं। उस समय 5,000 रुपये बालू मिलता था, इन्होंने बनाया। अब इनको बहुत खुशी महसूस होता है और इनको देखकर हमें भी महसूस होता है कि हमारा जनता अब सुखी संपन्न रह रहा है। सबसे पहले तो हम लोग आए तो देखें इन लोग का काफ़ी दयनीय स्थिति था, जिसके वजह से हम लोग ग्रामीण आप मतलब पर जनप्रतिनिधि आकर मुखिया जी हुए और हम लोग हुए आके इसका मुआयना किए और देखें कि सही में इन लोग का दयनीय स्थिति है। 5-6 यहाँ पर जो शांति नगर के में रह रहे हैं अभी, फिर जो लोग को मकान मिल चुका है उन लोग को हम लोग देख के उसका देखें कि काफ़ी लोग बरसात के दिनों में काफ़ी मतलब बरसात के वजह से पानी भी मतलब घर में चूक के पूरा भींग जा रहा था। सर सामान जितना था लोग का सब भींग जाता था, जिसके वजह से हम लोग सोचे कि चलिए इसका फिर मुखिया जी भी आए, हम भी आए और सब भी आया और हम लोग मतलब एक निर्णय लिए कि नहीं इन लोग का होना चाहिए आवास। उसके बाद हम लोग इन लोग का निरीक्षण किए, उसके बाद इन लोग का आवास मिला और अभी इन लोग बहुत खुश है। और ये लोग अभी कोई उस समय था कि छत के नहीं रहने के कारण उन लोग कुछ वहाँ छत पर कुछ जैसे गेहूं हो गया और कुछ कपड़ा उतर सुखाने के लिए दिक्कत होता था। अभी सब छत पर ये लोग अपना गेहूं सुखाना कपड़ा लत्ता सब अपना सुखा सकती है। बहुत ही अच्छा सहयोग रहता है प्रखंड के अधिकारी से भी, बहुत अच्छा ही सहयोग हम लोग को मिला है, तभी हम लोग इतना आगे कर पाए हैं। नहीं तो हम लोग इतना नहीं कर पाते जितना कि अभी हम लोग का इस पंचायत में जितना डेवलपमेंट हुआ है। बहुत ही अच्छा सहयोग मिला है प्रखंड के अधिकारियों से। यहाँ पे लाभुक से सबसे पहले इनकी सर्वे होती है जो ग्राम स्तर पे होती है, जो मुखिया यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग के द्वारा इनके आवेदन किया जाता है। आवेदन के बाद एक ब्लॉक से टीम बनती है, उस टीम के द्वारा इन लोग का आवास का निरीक्षण किया जाता है। उस पीरियड में इन लोग को देखा जाता है कि जो क्रिटेरिया है, जो 13 बिंदु है, वो 13 बिंदु का मापदंड ये लोग पूरा करती है या नहीं करती है। उसके उपरांत ये लोग का घर का फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया जाता है, जैसे जिस घर में रह रही है वो घर किस लायक है। उसके बाद ये लोग से चयन होने के बाद ग्राम सभा के माध्यम से लोग की सूची तैयार की जाती है और वो सूची परमानेंट वेटिंग लिस्ट के रूप में तैयार किया जाता है। उसके बाद ये लोग का टारगेट आने पर रजिस्ट्रेशन किया जाता है। रजिस्ट्रेशन के समय ये लोग को 3-4 चीज़ का ये जैसे में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जॉब कार्ड और मोबाइल नंबर, जो समय समय पे मोबाइल नंबर के द्वारा लोग को सूचित या सूचना मिलते रहता है। उस तरह से चयन होने के बाद इनके चयन होने के 1 सप्ताह के अंदर इन लोग को प्रथम किस्त की राशि दे दी जाती है जो 40,000 है। उस 40,000 में ये लोग निंटल स्तर तक आवास पूर्ण कर लेते हैं। उनके बाद तुरंत इनकी जियो टैग होती है, जो यहाँ का स्वयं सेवक है उसके द्वारा या पंचायत सचिव के द्वारा ये कार्य किया जाता है। जैसे उनकी जियो टैग होती है, सेकेंड पेमेंट के लिए लॉगिन में चला जाता है, वहाँ से ये लोग को फिर सेकेंड किस्त का भुगतान किया जाता है। सेकेंड के बाद ये लोग को ढलाई का कार्य पूर्ण करने के लिए जो 85,000 मिलता है उससे ये लोग पूर्ण करवाया जाता है। उनके बाद पूर्ण होने के बाद फिर इनकी जियो टैग होती है, जो स्वयंसेवक या पंचायत सेवक के द्वारा किया जाता है। और अंतिम किस्त जो 5,000 होती है, तुरंत इन लोग के द्वारा पूर्णता सर्टिफिकेट या जो आवास बनी है उस आवास का फोटोग्राफ ब्लॉक में जमा करके इन लोग को लास्ट जो 5,000 का पेमेंट है वो भुगतान कर दी जाती है। इस तरह से लाभुक का आवास का कार्य। जब यहाँ ये योजना नहीं आई थी तो यहाँ के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ये लोग टूटी फूटी झोपड़ियों में रहने को विवश थे। इनकी झोपड़ियों की छत से बरसात के मौसम में पानी टपकता था, जिससे वे रात भर नहीं सो पाते।
आज जब उन्हें इस योजना के अंतर्गत पक्के मकान मिल गए हैं तो उन्हें इन परेशानियों से राहत मिल गई है। यही रहते थे, टूटा फूटा घर में रहते सर, जब मिल गया तो यानी बहुत खुशी आया हम लोग का, तो सोच रहे मिल गया तो अच्छा है, हम लोग जिंदगी बस जाएंगे तो नहीं ठीक रहेगा से, तो हम लोग खुश आया। बस यही हम लोग प्रार्थना करते हैं सर। हम लोग मिट्टी के घर में रहते थे, क्या दिक्कत होता, बहुत पानी चूता था, टूटा फटा घर रहता था बस। और अभी ये रास्ता भी खराब है सर, तो बन जाता तो अच्छा रहता, हम लोग को बहुत खुश लगता। आम जनता के बीच में महीना दो महीना पे 15 दिन पे आते रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, आते आते इन लोग से मिलते मिलते आते आते इनसे परिचय हुआ तो देखे कि बहुत ही खराब परिस्थिति में रह रही है। इसका रहने का घर नहीं है, झोपड़ी जैसा है, बरसात के मौसम में पानी चूता है, इन लोग जैसे तैसे अपना जीवन गुजार रही थी। तो ये पूजा देवी है सो हमसे बोली कि मैडम आप हम लोग को किसी तरह आवास दिलवा दीजिए तो हम लोग बहुत राहत मिलेगा। तो इन लोगों कहने पे हम है सो आवास दिलवाए, अब है सो आवास ये बना ली है, अब रहने लायक हो गया है, अब रह भी रही है। शांति नगर की महिलाएं बताती हैं कि इस योजना ने उनकी झोपड़ियों को पक्के मकान में परिवर्तित कर दिया है। पहले झोपड़ी में वे सुरक्षित नहीं थी, एक तो बरसात में उनकी छत से पानी टपकता था, फिर सांप बिच्छू के प्रवेश का डर हमेशा लगा रहता था। इतना ही नहीं, उनके घर चोरों से भी सुरक्षित नहीं थे। पक्के मकान बनने से अब वे हर तरह से खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। पहले मेरा मिट्टी का घर था सर, बहुत दिक्कत में रहते थे, बरसात में भी दिक्कत, गर्मी में भी दिक्कत, ठंडा में भी दिक्कत। प्रधानमंत्री आवास मिले हैं अशोक मुखिया जी के चलते, तो आज हम लोग थोड़ा अच्छा हैं, पहले से अच्छा हैं, जब से आवास मिले हैं तो अच्छा हैं। हाँ, पानी छूता था, गर्मी में भी दिक्कत, बरसात में भी दिक्कत, सांप बिच्छू का दिक्कत होता था, बच्चों लोग के लेकर रहते थे, सोने में भी डर लगता था सर कि कैसे सोएंगे, पर आज आवास मिल गए तो अभी ठीक है। हाँ सर, यही है कि मेरा भाई मजदूर था और घर मिलने के बाद बहुत सुकून मिला, और छोटा छोटा मेरा भतीजा भतीजी थी, और रहने के बाद में यही है कि अब कहीं भी जा सकती है, ताला मार के जा भी सकती है, बहुत सुकून उसका हो गया, एक तो रूम बना, लेकिन फिर भी बहुत सहूलियत। हाँ वही तो बोल रहे सर, पहले तो बहुत दिक्कत होता था और अब दिक्कत नहीं होता है, कहीं भी जा सकते तो ताला बंद करके जा सकते हैं, पर मेरे मुखिया जी के चलते मिल गए इंदिरा आवास तो अच्छा है। गरीब ग्रामीणों के लिए स्वयं पक्के मकान का निर्माण कराना आसान काम नहीं है, अतः वे किसी तरह झोपड़ियों में अपना गुजारा करते हैं और एक नारकीय जीवन जीते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ऐसे लोगों को मकान बनाने में मदद कर उन्हें काफी राहत पहुंचा रही है। शांति नगर के लोगों की मुश्किलें इस योजना के आने से खत्म हुई है और उनमें एक नई उमंग जगी है। देखा ना आप सभी ने, हमें पूरा विश्वास है कि आज का ये अंक आपको काफी पसंद आया होगा। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, हम लेंगे आपसे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड उभरता, झारखंड हमारा, झारखंड उभरता, झारखंड।